This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So, again welcome back to our channel for investor. चलिए आज हम 9 नवंबर तूरां 20 की calls की बात कर लेंगे. इससे पहले वाले दिन मैंने calls provide नहीं की थी तो इसलिए मैंने उसका अब निफ्टी जो है ट्वेल्व थाउजेंड क्रॉस कर चुका है तो अब देखते हैं क्या स्टॉक कल क्या लेवल्स रहते हैं और क्या करने वाला देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस कल हमने आपके लिए चुना है जो पहले आप बाय करके चलेंगे एट का जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा एट का लेवल कैसे ब्रेकआउट होगा 849.10 जब हो जाएगी इसकी वैल्यू तब आप इसे बाय कर लेंगे स्टॉप लॉस रहेगा आपका एट तो चलिए अब हम टारगेट की बात कर लें तो आपका जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा यानी कि एट फोर्टी नाइन पॉइंट वन जीरो जब हो जाएगी इसकी वैल्यू तब तो आप अपना टारगेट रखेंगे एट फिफ्टी थ्री का एट फिफ्टी नाइन और एट सिक्सटी सिक्स का इतने इससे भी ज़्यादा ये जा सकता है बाइंग प्राइस से जब ये स्टॉक की प्राइस नीचे आ जाएगी उसके बाद यहाँ पे ये होल्ड ले कहीं ना कहीं ये होल्ड ले हमारी शॉर्ट सेलिंग प्राइस जो है 39 की इन दोनों लाइन के बीच में कहीं ना होल्ड ले एक मिनट का होल्ड कैसे लेगी अप एंड डाउन करेगी इसकी जो प्राइस वैल्यू अप एंड डाउन करेगी उसके बाद दोबारा जब ये बढ़ेगी एम के अंदर गैप फिल होने के बाद देखिए टेन एम के अंदर गैप फिल होना चाहिए उसके बाद कभी भी प्राइस की वैल्यू बढ़े आप बाय कर सकते हैं जैसे ही यहाँ से ये लेवल ब्रेकआउट होगा तब आप इसे बाय कर लेंगे फिर ये ऊपर ऊपर जाते हुए ऐसे तो नहीं जाएगी एग्जैक्ट ऐसे में जाएगी इस लाइन को फॉलो करते हुए इस ट्रेंड में तो आप इसे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं तो ध्यान रखिएगा अगर स्टॉक गैप अप ओपन होगा तो आपको क्या करना है वहीं अगर स्टॉक गैप डाउन ओपन हो जाए अगर स्टॉक गैप डाउन ओपन होगा मान लीजिए यहाँ पर स्टॉक जो है ओपन हुआ हमारी जो शॉर्ट सेलिंग प्राइस थी वो यहाँ पर थी इस लाइन के पास एग्जैक्ट नहीं बन पाया बट दोबारा से बना देता हूँ मैं कन्फ्यूजन ना हो ये जो लाइन है इस लाइन पे ये हमारी शॉर्ट सेलिंग प्राइस थी लेकिन यहाँ पे ये स्टॉक ओपन हुआ तो आप क्या करेंगे वेट करेंगे टेन ई एम तक ये गैप फिल हो जाए खाली गैप फिल का वेट करना है टेन ई एम तक कि ये जो प्राइस uh, है इसके ऊपर चल जाए वैल्यू उसके बाद ये होल्ड लेगा यहाँ पे फिर दोबारा से जब नीचे आएगा तब आप उसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं जैसे लेवल ब्रेकआउट होगा किसी भी टाइम हो कोई फर्क नहीं पड़ता बट ध्यान रखिएगा कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो बाय के लिए कोई भी आपकी जो है कंडीशन uh, नहीं है और गैप अप ओपन होता है तो शॉर्ट सेलिंग के लिए आपके लिए कोई कंडीशन नहीं है जैसी लेवल ब्रेकआउट होगा आप उसे शॉर्ट सेल कर देंगे और जैसे ही गैप डाउन होने के बाद अगर लेवल ब्रेकआउट होगा बाई का तो आप बाइक कर लेंगे अगला स्टॉक है हमारा पॉली कैप का जिसे आप बाय करके चलेंगे नाइन एट्टी नाइन ट्वेंटी एट का लेवल ब्रेकआउट होने पे स्टॉप लॉस आएगा नाइन ट्वेंटी अब स्टॉप लॉस क्या रहेगा देखिए नाइन ट्वेंटी का मतलब है नाइन नाइनटीन पॉइंट नाइन जीरो जब जब इसकी वैल्यू आने लगेगी यानी कि नाइन ट्वेंटी से नीचे गिरने लगेगा तब आप अपना ऐसे हिटवान के ट्रेड से बाहर आएंगे वहीं शॉर्ट सेल करेंगे आप इसे नाइन नाइनटीन पर स्टॉप लॉस रहेगा नाइन ट्वेंटी नाइन और टारगेट रहेगा नाइन वन सिक्स नाइन वन जीरो और नाइन जीरो टू का इसका बाय साइड का टारगेट रहेगा नाइन थर्टी टू नाइन थर्टी एट और नाइन फोर्टी सिक्स का तो देखिए शॉर्ट सेलिंग के साइड पे जो स्टॉप लॉस है नाइन ट्वेंटी नाइन से जब ऊपर जाने लग गई तब आप अपना एसलिटेन के रेट से बाहर आएंगे पॉलीप्लेक्स में आप क्या करेंगे बाय करके चलेंगे सेवन एट्टी नाइन पे स्टॉपलस रहेगा सेवन एट्टी थ्री का मॉर्निंग में मैं टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल्स प्रोवाइड करता हूं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी हो या फिर आप हमें ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे साथ टारगेट रहेगा आपका नाइन का सॉरी पॉलीप्लेक्स आप बाय करके चलेंगे इसे सेवन एटी नाइन पर स्टॉप लॉस रहेगा आपका सेवन एटी थ्री का टारगेट रहेगा सेवन नाइन्टी टू एट हंड्रेड और एट हंड्रेड एट का पहला टारगेट प्राइज़ हमेशा स्मॉल रखता हूँ अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर कभी कभार अगर ज़्यादा मूवमेंट अपोजिट साइड की ज़्यादा मूवमेंट हो जाए मान लीजिए जा शॉर्ट सेलिंग साइड में आपने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा लिया और उसके बाद स्टॉक जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है और आप बाइक की साइड आ रहा है तो बाईक की साइड आपका पहला टारगेट प्राइज अचीव हो ही हो इसकी मैं गार लेने के लिए मतलब कि हंड्रेड इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं पहला टारगेट प्राइस अचीव होने के उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस भी शिफ्ट कर सकते हैं और स्टॉक जो है पहले डाउन मार्केट डाउन था उसके बाद अप आता है तो आपका पहला टारगेट प्राइस बाई साइड का एक अचीव हो जाए इसलिए मैं पहला टारगेट प्राइस स्मॉल देता हूँ दोनों साइड की तो सेवन एट्टी टू आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे स्टॉप लॉस रहेगा सेवन एट्टी एट का टारगेट रेक आपका सेवन सेवनटी नाइन सेवन सेवनटी टू और सेवन सिक्सटी फोर का ध्यान रखेंगे और जो मैंने अभी आपको बताया गैप अप वाली जो स्ट्रेटजी बताई वो फॉलो जरूर करेंगे बट अगर नहीं होता है गैप रिफिल तो आप उस स्टॉक को छोड़ देंगे बाकी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर आपके डिस्प्ले में दिख रहा होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप इस चैनल पर नहीं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आइकन को दबाना मत भूलिएगा इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा